नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, ये जनरल रीडिंग है। तो प्लीज इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है लव रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये रीडिंग होगी 22 से लेकर 28 तारीख तक की। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। तो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है आप लोगों के रिश्ते में, जो लड़ाई झगड़ा या परेशानी चल रहा है, ये तो कार्ड भी बता रहा है। ये आपके साथ रिश्ते में जो भी परेशानी है, लेकिन इसमें बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसका भी पता चल रहा है। इसको ये जो कार्ड आया है उससे देख के, ये बंदा फिर भी किसी की हेल्प से, किसी की मदद से टीम वर्क करके कुछ नया करना चाहते हैं। जैसे कि फिनेंशियली कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, कोई नया जॉब, नया बिजनेस, पार्टनरशिप में कोई काम। लेकिन ये जो भी कर रहा है, जो भी करने के बारे में सोच रहा है, बीच-बीच में उनको ये बात याद आता है कि जो भी ये करते हैं, जो भी ये सोचते हैं, रिश्ते में जो भी बात होता है, मैक्सिमम बातों में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। आप दोनों के अलावा भी इस रिश्ते में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी वो आके बोल जाते हैं। लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, कोई बुजुर्ग होगा, कोई ऐसे घर में घर के बुजुर्ग होंगे या फिर कोई रिश्तेदार होगा, जो भी है कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते में ना ही बोले तो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी बोल रहा है। ये कुछ काम, बिजनेस, कुछ भी शुरू करने के बारे में सोच तो रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन ये जब भी ये सोचता है कि आपसे बात करेंगे इस बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, काम करेंगे, तब भी उनको ये लड़ाई झगड़ा याद आ जाता है कि आपसे बात करने से पहले दूसरे लोग जो आ जाते हैं इसमें बात करने के लिए, और इससे ही सारा परेशानी शुरू हो जाता है। करेंटली ये बंदा या बंदी ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों के अलावा भी बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में है, उनकी मौजूदगी है, उनकी जरूरत भी नहीं है शायद, लेकिन फिर भी ये लोग बात करके रिश्ते को खराब करते हैं। अभी हम देखेंगे ये बंदा या बंदी जो भी है ये चाहते क्या है। ऑब्वियसली टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये तो मेहनत करना चाहते हैं, रिश्ते, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या करे, बात करने से पहले ही रिश्ता झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। देख लेते हैं और क्या आता है, ये क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी के बिना, स्टेबिलिटी के ही तो रिश्ते में इतना परेशानी है, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ये चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि उनके साथ उनका परिवार भी इसमें रहे। जो भी मेहनत ये कर रहा है इसका परिणाम उनके परिवार को मिले, मतलब आपको, अगर उनके माता पिता है, जो भी है परिवार में, उन सभी को वो
सारा फायदा मिले जो ये मेहनत करके कमा रहे हैं, सारा चीज परिवार के साथ बांटना चाहते हैं, पैसे जमा करना, घर बाड़ी गंगला जो भी बंगला जो भी चाहिए सब कुछ अरेंज करना, लेकिन ये उस बात से दुखी है कि आप उन चीजों को समझते नहीं हो। आप अपने हमेशा अपने तेवर में रहते हो, जब से ये रिश्ता जुड़ा है आपसे तब से आप सिर्फ अपने बारे में सोचने में बिजी हो। जितना ये बोलने जाता है आपको इस रिश्ते के बारे में, अपने परिवार के बारे में, आपके अलावा बाकी और सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होके चीजों को खराब कर देता है, जिसकी वजह से बंदा परेशान भी है, दुखी भी है, रात को सो नहीं पाते हैं। इनको ये लगता है कि जब आप उनके परिवार को नहीं देखते हो, आप उनके बारे में उस तरीके से नहीं सोचते हो जिस तरीके से ये सोचते हैं, हालांकि ये मेहनत करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, पैसा परिवार के लिए खर्च करना चाहते हैं, और आप जो हो हमेशा अपने बारे में सोचते हो और सोच सोच के रिश्ते को भी खराब कर रहे हो। और आपको अगर कुछ बोला जाता है तो दूसरे जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और रिश्ते को खराब कर देते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप अपने बारे में सोचे, ये गलत नहीं है, लेकिन दूसरों के बारे में भी थोड़ा सोचे और दूसरों की बातें ना सुना करें, अपने अंदाज में रहे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करें, खुद से प्यार करें, लेकिन दूसरों की बातों से खुद को दूर रखें। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा अगर ये एक्शन लेते हैं। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है। देख लेते हैं इनका खुद का एक्शन क्या हो सकता है, अगर ये एक्शन लेते हैं तो ये क्या एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हॉमेट, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। थ्री ऑफ कप्स, देखो जो रिश्ता रुक गया है बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड है, हैप्पीनेस, मेजर 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 हैप्पीनेस को ये मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहते भी है, लेकिन ये जो स्टकनेस है रिश्ते में, जो रुक सा गया है, थम सा गया है, इसमें ये सैक्रिफाइस करने के लिए राजी है। ये ऑर्गेनाइज्ड करेंगे पूरे परिवार को, रिश्ते को, खुद को हील भी करेंगे, पैसे सेविंग्स करना, जमा करना, धीरे धीरे हर काम को करना, इस रिश्ते में जो भी करना चाहिए, हर किसी का ख्याल रखना, हर किसी के बारे में सोचना, क्योंकि इनको सब कुछ पता है। ये रिश्ता कोई नया रिश्ता तो है नहीं, ये रिश्ता तो पुराना रिश्ता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में लोगों की इन्वॉल्वमेंट से रिश्ता खराब हो रहा है, और ये चाहते हैं कि रिश्ते में आपके और उनकी आपसी मिल मिलाप बढ़े, बातें हो, जो स्टकनेस आ गया था उस वो खत्म किया जाए, ये सैक्रिफाइस करने के लिए भी राजी है। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप उनके साथ दोस्ती भरा रिश्ता निभाए, घूमने फिरने जाए, पार्टी शार्टी करे, अपने दिल की बात अपने तरीके से उनके सामने रखे, क्योंकि जब भी ये आपसे बात करना चाहते हैं दूसरे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो ये एक्शन उस तरीके से लेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, आपको लेके घूमने जाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, छोटी मोटी हो पार्टी भी हो सकता है, पार्टी देना पार्टी लेना, कुछ ऐसा तरीका ये अपनाएंगे जिससे ये अपने दिल की बातें बोल सके, जो ये नहीं बोल पा रहे हैं, जो ये करना चाहते हैं, और हर चीज ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, जो भी बिखरा हुआ है, जो भी चीज परेशानी में है, बातें हो रिश्ते हो, ये सही हो जाए। अभी हम देखेंगे कि एरीज आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। गिफ्ट
मोर इंफॉर्मेशन। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि कोई लोग हैं जो कान के कच्चे हैं। इसने ये आके कह दिया, अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, चलो कर दिए झगड़े। उसने ये, तुम नहीं जानती हो वो ये बोल रहा था, अच्छा ऐसा बोल रहा था, चलो जाके झगड़ा कर लेते हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है एरीज कि आपको जो भी करना है, जो भी बोलना है, पहले उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, जानना चाहिए जो आप बोल रहे हो उसमें कितना सच्चाई है, वो कितनी सही है, फिर जाके आप उन बातों पर काम करें, उस बातों को छेड़े, उन बातों को सामने लाए। जब तक आपको पूरी तरीके से जानकारी ना हो, पूरी इंफॉर्मेशन ना हो आपके पास, बहुत सारा जानकारी अगर आपके पास ना है, तो उन टाइप की बात ना बोला करें जिससे रिश्ते बिगड़ते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।